आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि फिल्मोरा गो वीडियो एडिटर ऐप की मदद से किसी भी वीडियो क्लिप को ट्रिम कैसे किया जाता है। सबसे पहले इसे ओपन कर लें, क्रिएट न्यू वीडियो और उस क्लिप को सेलेक्ट कर लें जिस क्लिप को आप ट्रिम करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि ये 23 सेकेंड का जो क्लिप है इसे मैं ट्रिम करना चाहता हूँ। तो ट्रिम करने के लिए हमारे पास इसमें कंप्यूटर में जो एडिटर्स आते हैं उसके जैसा कोई फीचर तो नहीं है। हमें एक ही वीडियो क्लिप को बार बार ट्रिम करके एक एंड पॉइंट और एक स्टार्ट पॉइंट सेट करना होगा और उसे बाद में ऐड कर देना होगा। जैसे इस 23 सेकेंड के वीडियो के बीच में से कोई हिस्सा मैं अलग करना चाहता हूँ, तो मान लीजिए कि इस 23 सेकेंड के क्लिप में मैं 0 से 15 सेकेंड तक ही रखना चाहता हूँ और 16वें सेकेंड से 20वें सेकेंड तक का क्लिप मुझे ट्रिम करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसे 0 से मैं 15 पे सेट कर देता हूँ। ये लीजिए, ये मेरा 0 से 15 पे सेट हो गया। अब इसे ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो क्लिप ऐड हुआ है ये 0 से 15 सेकेंड का है। अब 5 सेकेंड का क्लिप मुझे नहीं रखना है, यानी कि 20 सेकेंड से मैं स्टार्ट करूँगा। ये देखिए, ये 20 से मैं स्टार्ट करके इसे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्लिप आ गए, पहला क्लिप जो कि 0 से 15 सेकेंड तक है और दूसरा क्लिप जो कि 20 से 23 सेकेंड तक का है। अब हम इसे नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करके सेव कर देंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा ये देखिए, इसे आप अपने गैलरी में सेव कर लीजिए। ये वीडियो हमारे गैलरी में सेव हो चुका है। पंद्रह सेकंड से 20 सेकंड तक का वीडियो जो ड्यूरेशन था वो ट्रिम हो चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। कट करना होगा, सेकेंड्स आपको नोट करने होंगे कि कहाँ से एंड पॉइंट कहाँ है, हमारा स्टार्ट पॉइंट कहाँ है। एक ही क्लिप को बार बार ट्रिम करना होगा और ट्रिम करके और ट्रिम करने के बाद उसे टाइमलाइन में रख के प्रोसेस करना होगा। इसी तरीके से हम ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।